एक और बंदा आता है जो मुसलमानों की जो कंडीशंस थी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी उन कंडीशंस की बेहतरी के लिए कोशिश करता है, एंड दैट पर्सन वाज सर सैयद अहमद खान. He was born in 1817 and died in 1898, and he started his famous Aligarh movement. And it was particularly started in order to promote economic, political, social, and educational conditions of the Muslims. ठीक है, उसके लिए की गई. अभी हम देखेंगे कि ये सर सैयद अहमद खान का रोल क्या रहा था सब कॉन्टिनेंट के अंदर. Very important, very interesting. इससे भी एक क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर में जरूर आता है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. सो अच्छा, तो 1857 के बाद जब जंग हो गई तो मुसलमानों की कंडीशन क्या थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको शाहुल्लाह समझ रहेगा. ओ सॉरी, सैयद अहमद शाही. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम्स बिकेम द मेजर टारगेट ऑफ द ब्रिटिश. Why? Because Muslims only Mughal declined. क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन तो ये था कि भाई मुसलमानों का जो रूल था मुगल का वो डिक्लाइन हो गया, तो ब्रिटिश तो ये समझे हुए थे ये कभी भी रूल वापस ले सकते हैं. तो ब्रिटिश की पहला टारगेट ये था कि मुसलमानों को सप्रेस करें ताकि उनको इनकी वो जो कहते हैं गर्दन मरोड़ दें ताकि मुस्लिम दोबारा ना उभर पाए, क्योंकि तो ये कभी भी उभर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, उन्होंने रूल किया है, वो दोबारा कभी भी आ सकते हैं. तो मेन टारगेट जो थे वो मुस्लिम्स बने ब्रिटिश का. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ये समझ रहे थे कि वॉर स्टार्ट करने वाले जो थे वो कौन थे, वो मुस्लिम्स थे, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम्स का हो रहा था मुगल्स का. तो उन्होंने टारगेट उसको दिया. मुस्लिम्स सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशंस बिकेम वर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद. ब्रिटिश अक्यूज्ड मुस्लिम वॉर एंड साइडेड विद द अगेंस्ट द हिंदूस. तो हुआ क्या, मुसलमानों ने ब्रिटिश ने डायरेक्टली इल्जाम लगाया मुस्लिम्स के ऊपर, वॉर इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है, और वो हिंदुओं के साइड ले गए. उन्होंने कहा हिंदू तो इनोसेंट थे, हिंदू तो बेचारे एक्सप्लॉइट हो गए थे. तो इसका रीजन क्या था? डिवाइड एंड रूल का था, क्योंकि उनको मुसलमानों को सप्रेस करना था. अगर वो एट ए टाइम दोनों कम्युनिटीज के खिलाफ हो जाते तो उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने थे. तो अंग्रेज सियाना रहा, अंग्रेज ने क्या किया, उन्होंने हिंदू को अपने साथ मिला लिया. उनको पता था कि हिंदू भी मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम भी उनके खिलाफ हो जाएंगे तो मुस्लिम सप्रेस हो जाएंगे. और यही स्ट्रेटजी ब्रिटिश ने अपनाई, हिंदू को अपने साइड कर दिया. वो पहले भी कहता आ रहा था कि वो इनोसेंट है, ठीक है, और इन्होंने मुसलमानों को डायरेक्टली टारगेट किया. तो मुसलमान इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली बिल्कुल खराब कंडीशन में चला गया. मुस्लिम हैड नॉट डेयर टू टॉक विद द ब्रिटिश एट दैट टाइम. मुसलमानों की औकात ही नहीं थी उस टाइम पे कि ब्रिटिश से बात करेंगे. मुस्लिम तो डर के भाग रहे थे सारे, उनके साथ इतनी हालत कर दी इसने, और जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें थी वो निकाल दिया गया, बिजनेस से खत्म कर दिया गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, रिलीजियस खत्म हो गया, एजुकेशन से निकाल दिया गया. तो उनका कोई ऐसा बंदा नहीं था जो आगे बात करे ब्रिटिश से, उनको बताया भाई कि असल ये चीजें हुई थी, जिन हिंदुओं को आपने साथ बिठाया हुआ है वो भी इक्वली बराबर थे शरीक हमारे साथ, बट देयर वाज नो सच पर्सन. इस क्रेडिबिलिटी का बंदा, इस स्टेचर का बंदा उस टाइम पे मुसलमानों के पास नहीं था. बट दैट टाइम सर सैयद अहमद खान केम फॉरवर्ड एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम. उसी दौर में सर सैयद अहमद खान आते हैं और मुसलमानों की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. तो उसका रोल जो है वो अभी हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान का क्या रहा है. उस रोल से पहले हम देखते हैं शॉर्ट सी इसकी लाइफ, देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान की लाइफ क्या रही. He received his early education in Holy Quran, Arabic and Persian. He was an expert in Holy Quran, history, science and politics. He wrote about 42 books. He worked for the awakening of Muslims in the subcontinent after the War of Independence. ठीक है, उसके सारी dedication इसी बारे में थी. ठीक है, ये बहुत interesting इसकी discussion है, अभी debate है, इसको चलेंगे. ठीक है, इसको देखते हैं. So ये तो उसकी छोटी सी life थी जिसको आपने देखा. ओके, सो कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि इसकी क्या थी. सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश हेल्ड ओनली मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेटेड विद हिंदूज, इवन दीज वर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटेड विद द मुस्लिम्स. फिर भी उन्होंने उसके साथ कोऑपरेट किया. क्यों किया? मैंने बताया आपको, तो मुसलमान को सप्रेस करना था, दोनों को दुश्मन नहीं बनाना था,
और स्ट्रेटेजिकली रेशन भी उनके लिए फायदेमंद, मुस्लिम हिंदू थे उनको अपने साथ बिठाना, क्योंकि हिंदू भी इक्वली मुसलमानों के खिलाफ थे और ब्रिटिश भी इक्वली मुसलमानों के खिलाफ थे। सर सैयद केयरफुली इवैल्यूएटेड द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स हु वर गोइंग बैकवर्ड इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एजुकेशनली एंड सोशली। इसने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, इवैल्यूएट किया मुस्लिम। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट इन ऑर्डर टू रेस्क्यू मुस्लिम्स। उसने एक मूवमेंट स्टार्ट की मुसलमानों को इन सारी कंडीशन से रेस्क्यू करने के लिए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन को रेस्क्यू किया जाए, पॉलिटिकली रेस्क्यू किया जाए, इकोनॉमिकली रेस्क्यू किया जाए और इनको रिलीजियसली भी रेस्क्यू किया जाए, वरना तो मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हो जाने हैं। ठीक है, तो अलीगढ़ मूवमेंट, और जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसके चार एस्पेक्ट रहे थे। द फर्स्ट एस्पेक्ट वॉज इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, फ्रंट के ऊपर, सोशल फ्रंट के ऊपर, एजुकेशनल फ्रंट के ऊपर और पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि अगर इन चार लेवल्स के ऊपर, चार फ्रंट्स के ऊपर मुसलमान खुद को सस्टेन कर लें तो ये फिर ब्रिटिश के सामने खड़े हो सकते हैं। अगर इन चार को हम इग्नोर करेंगे तो उसने कहा कि जो हालात चल रहे हैं उस टाइम पे तो खराब हो जाने और मुसलमानों के हालात बहुत ही बदतर हो जाने। तो ही स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट ऑन दीज फोर फ्रंट। इसको डिस्कस करते हैं कि चार फ्रंट्स क्या थे उसके। ठीक है, द फर्स्ट वन जो अलीगढ़ की मूवमेंट चलती है वो 1898 तक चलती है, इसका जो टेन्योर है। तो ये मूवमेंट बाकी तो ऐसे मूवमेंट नहीं थी कि उसने लोग बिठाए आके चलो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ये उसकी कंट्रीब्यूशंस थी, उन कंट्रीब्यूशंस को मिला के अलीगढ़ मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जो अलीगढ़ मूवमेंट थी सर सैयद अहमद खान की, उसके दो ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे, दो ब्रॉड वेरी इंपॉर्टेंट दो ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे। उन चार चीजों पे मुसलमानों को बेहतर पोजीशन देनी थी और उन चार पोजीशन के ऊपर उसके पास दो फ्रंट्स थे जिस पे उसने फोकस किया उस अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर। नंबर वन मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, नंबर टू कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। ही वाज वेरी रैशनलिस्ट, वो बहुत ही प्रैग्मेटिस्ट जो था अली सर सैयद अहमद खान, प्रैग्मेटिस्ट और यू कैन से ही वाज अ रियलिस्ट एज वेल एज ही वाज रैशनलिस्ट पर्सन। मतलब इतनी अमेजिंग आप उस टाइम की कोशिश देखें उसकी, कि उसको पता था कि जब तक मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेंगे मुस्लिम्स तो वो ब्रिटिश से बात भी नहीं कर पाएंगे, उनको उनके साथ कम्युनिकेशन गैप रहेगा। उस कम्युनिकेशन गैप को रोकने के लिए मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद खान। उसने कहा इसको फोकस करना है नंबर वन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप होगा तो बात पहुंचेगी नहीं, बात नहीं पहुंचेगी तो ब्रिटिश वही काम करेगा जो उसको हिंदू बताएगा, जो हिंदू बताएंगे। लिहाजा तो एक उसका फंक्शन था, ब्रॉड प्रिंसिपल था कि भाई मॉडर्न एजुकेशन हो। नंबर टू कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश, उसने कहा कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ जाते हैं तो ब्रिटिश ताकत में है, हर ताकत उसके पास है, वो कॉलोनियल कॉलोनी बना चुका है इस टीम को, फोर्स उसके पास है, हर चीज सोर्सेज उसके पास है, रिसोर्सेज उसके पास है, वो तो मुसलमानों की ईंट से ईंट बचा देगा। तो ये जो माइंड सेट है मुसलमानों का, इसको चेंज करना है और ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करना है ताकि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उस लेवल पे पहुंचें जहां पे उसके साथ बात कर सकें। ये दोनों ब्रॉड प्रिंसिपल्स रैशनलिज्म का एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन है उस टाइम पे जो आपको नजर आए। इस अलीगढ़ मूवमेंट वाज वेरी प्रैग्मेटिस्ट, और इस प्रैग्मेटिज्म का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा आगे आएगा, और आप देखेंगे इसका रिजल्ट जो आगे पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट होगी, मुस्लिम लीग बनेगी, शिमला डेपुटेशन जाएगा, वो सारे लोग अलीगढ़ के पड़े हुए थे, वो अलीगढ़ के इस मूवमेंट का हिस्सा थे, इसी की प्रोडक्शन थे जो आगे आते हैं, इंक्लूडिंग आपका ये जो है ये वकार उल मुल्क, ये सारे लोग। ठीक है, तो कैद आजम भी, मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स एंड कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश, ये दो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ मूवमेंट के। तो ही बिलीव दैट मॉडर्न इंग्लिश साइंटिफिक एजुकेशन वॉज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू कम्पीट विद द हिंदूज। उसने कहा कि जब तक मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन मुस्लिम्स नहीं लेंगे वो हिंदूज और ब्रिटिश के साथ कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू ही एडवाइज्ड मुस्लिम्स टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश इन ऑर्डर टू गेन पावर एंड पार्टिसिपेशन इन द वेरियस पोस्ट। ठीक है, ये दो चीजें जैसे मैंने बताई कि एजुकेशन हासिल करना है कंपीट के लिए और कोऑपरेशन करना है ताकि ब्रिटिश इसको कुछ पोस्टों के ऊपर ले जाए और यहां वहां जाके ये अपना जो इंटरेस्ट है उसको ये पूरा कर सकें। ये दो चीजें थी इसकी, और ये दो बहुत शानदार चीजें थी, बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैग्मेटिस्ट तरीके की चीजें थी जो एलिमेंट थे अलीगढ़ मूवमेंट के। जो ये दो मेन मकसद थे सर सैयद अहमद खान के अचीव करने के, और इन्हीं को अचीव करने के लिए वो जो है अपनी मूवमेंट को आगे लेके चलता है। ठीक है, तो
He took practical steps to implement those principles for the betterment of Muslims in the subcontinent. उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया इसने, उसको इम्प्लीमेंट किया नंबर वन इंटेलेक्चुअल सर्विसेज के साथ. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इंटेलेक्चुअली कैसे ग्रो किया जाए. He wrote 42 books. 42 books इसने लिखे. He wrote famous book खुतबात अहमदिया, जो कि एक एंसर था, एक इंग्लिश मैन था जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बुक लिखी थी, ठीक है, उसकी सीरत के खिलाफ लिखी थी. तो इसने उसको रिबटल लिखा था उस अंग्रेज के खिलाफ जिसे कहते हैं खुतबात अहमदिया, ठीक है. ये उसका मशहूर बुक था जिसने मुसलमानों का बूस्ट जो था, मोरल था, उसको और हाई किया, ठीक है, क्योंकि इसने इंग्लिश में लिखी और उसको साइंटिफिकली जवाब देने की कोशिश की आर्ग्यूमेंट्स के बेस के ऊपर. He wrote in booklet Causes of Indian Revolt in order to create goodwill between British and the Muslims after the War of Independence 1857. इसने एक और बुक लिखी Causes of Indian Revolt, असबाब बगावत हिंद उसका नाम था. ये छोटा सा बुकलेट लिखा, ये पर्टिकुलरली इंग्लिश में इसने लिखा. किसके लिए ये लिखा इसने? ब्रिटिश के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई जो वॉर हुई थी 85 की, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसमें हिंदू भी आपके साथ थे जिसको आपने साथ बिठाया हुआ है. तो आप सिर्फ मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाना गलत है, लिहाजा हिंदूज भी साथ थे. और ये बुक लिख के बेसिकली वो कॉपरेशन के लिए एक हाथ जोड़ रहे थे, हाथ आगे बढ़ा रहे थे, ताकि जो नरम गोशा पैदा हो ब्रिटिश का मुस्लिम्स के लिए और मुसलमान थोड़ा आगे आए, पावर गेन करें आगे. व्हाट इट, ये इंटेलेक्चुअल सर्विसेज थी जो उस टाइम पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं. नंबर टू, इसने सोशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड की. सोशल देखें, एजुकेशन को हम बाद में देखते हैं. सोशल के लिए उसने एक मैगजीन निकाला जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक, ठीक है, मैगजीन होता था, ये वीकली मैगजीन होता था जो निकलता था, फॉर द मॉरल करेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, जो जिसके अंदर वो बताता था कि जो इस्लाम है उसका साइंस और उसका रीजन और उसका लॉजिक के साथ क्या ताल्लुक है, ताकि मुसलमान थोड़ा मॉरली खुद को सेटअप करें, उसको साइकोलॉजिकली इंफीरियरिटी से निकलें कि जो हमारा इस्लाम है वो काफ़ी चीज़ों की हमें जो है आंसर्स देता है, सॉल्यूशंस देता है. तो ज़्यादा मुसलमान वो पढ़े वो इस मैगजीन के अंदर होते थे. ये अटेम्प्टेड टू क्रिएट गुड कॉन्टेक्स्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश, उसके लिए भी कोशिश की सोशल सर्विसेज के अंदर. इसके एजुकेशनल सर्विसेज बहुत ही शानदार थी. नंबर वन, ही सॉ द सर्वाइवल ऑफ मुस्लिम्स इन गेटिंग मॉडर्न इंग्लिश एंड साइंटिफिक एजुकेशन. एजुकेशन मॉडर्न भी हो, इंग्लिश भी हो, साइंटिफिक भी हो. फॉर दैट पर्पज एट दैट टाइम मुस्लिम डिड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन इनटू इंग्लिश स्कूल्स, बट ही इंसिस्टेड टू सेंड देम आउट. मुस्लिम्स इंग्लिश को एक काफरों की लैंग्वेज समझता था, गलत वो समझता था, तो वो भेजते नहीं था. बट ही इंसिस्टेड के भेजो, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, बर्तानिया से बात नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, हिंदूज उसके साथ बैठे हुए हैं, हिंदूज और ब्रिटिश मिलकर तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा. तो ही इंसिस्टेड देम टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन इंग्लिश स्कूल्स वेयर साइंटिफिक एजुकेशन वॉज बींग गिवन, जब वहां पर दी जा रही. ही बिलीव दैट मुस्लिम्स कुड ओनली कम्पीट विद हिंदूज एंड ब्रिटिश थ्रू द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन. इसके अलावा उनके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता हिंदूज के साथ ये कम्पीट करें जाके, सवाल ही पैदा नहीं होता. ये जरूरी, क्योंकि हिंदू लेके जा रहे थे तो आगे बढ़ते आ रहे थे. तो यही चीज एक आर्गुमेंट दिया जाता है जब पाकिस्तान और इंडिया में हम, जब मैं पोस्ट पार्टीशन आपको पढ़ाऊंगा कि इंडिया डेमोक्रेसी बन गया, हम डेमोक्रेसी नहीं बन पाए, तो उसके रीजंस क्या थे. उनमें एक रीजन ये भी था कि हिंदूज जो थे वो इसी टाइम से लेकर एजुकेशन के अंदर आ रहे थे, उनके अंदर बड़े बड़े जहन पैदा हो रहे थे, जबकि मुसलमान वहां पे मुखालफत कर रहे थे, वहां पे इतने किस्म के जहन पैदा नहीं हो सके. उसका आप मिसाल ले लें, इसके अंदर हमारे यहाँ तो चंद चंद लोग पैदा हुए, उंगलियों में गिनने जितने लोग हैं, कैद आजम है, अलामा इकबाल है, आपको ये लोग नजर आते हैं, लियाकत अली खान है, ठीक है, ये लोग नजर आते हैं, चंद लोग हैं. बट आपको वहां पे चले जाएंगे हिंदूज में, आपको गांधी नजर आता है, आपको नेहरू नजर आता है, आपको डॉक्टर अम्बेडकर नजर आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो नजर आते हैं जो उनके लिए काम करते रहे. बट हमारे यहाँ ऐसे आला पाए के लोग नजर नहीं आए. व्हाट वाज द रीजन? रीजन यही था कि हम उस टाइम पे मुखालफत कर रहे थे और वो आगे एजुकेशन ले रहे थे, उसकी लेगेसी आज तक बरकरार है इन चीजों के ऊपर, ठीक है. तो इसने इंसिस्ट किया उनको कि मॉडर्न एजुकेशन लो. फॉर दैट पर्पज ही एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन मुरादाबाद 1864 में, हुज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रांसलेट बुक्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस इनटू उर्दू. जर्नल्स नेम अलीगढ़ Institute Gazette in 1866. It was published in two languages. The bilingual था, उर्दू एंड इंग्लिश के अंदर. ये साइंटिफिक
सोसाइटी इसने कायम की, जिसमें जो इंग्लिश की ट्रांसलेट बुक्स होती थी उनको ट्रांसलेट किया जाता था उर्दू में, इनको पढ़ा लगे पता लगे मुसलमानों को कि क्या हो रही है। और उसने एक जो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ गजेट भी निकाला, जिसमें वो जो नई नई रिसर्चेज आती थी, नई नई ट्रांसलेशन होती थी, उनको उर्दू और इंग्लिश में लिखा जाता था ताकि दोनों का अंदाजा हो मुसलमानों को क्या चीज हो रही है। ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में, जहां पे भी मॉडर्न इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी की एजुकेशन दी जाती थी। दिस स्कूल लेटर बिकेम मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज 1877 एंड फाइनली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन 1920। तो ये वो यूनिवर्सिटी थी, ये वो स्कूल था जिस स्कूल से बहुत ही आला पाए एक कैडर निकलता है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि शिमला डेपुटेशन के बाद बुनियाद डालता है, किस चीज की बुनियाद डालता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। वो यहीं से पढ़े हुए लोग थे, इसी स्कूल की प्रोडक्शन थे वो। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अभी भी है। ठीक है, ओके। इसके पॉलिटिकल सर्विसेज क्या थी? पॉलिटिकल सर्विसेज में ये थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिकल कंडीशंस मुसलमानों की बहुत ज्यादा मर्सीफुल थी, मुगल रूल डिक्लाइन हो चुका था, जो हिंदू थे वो ब्रिटिश की साइड हो चुके थे, मुसलमान आइसोलेशन का शिकार थे उस टाइम पे, कि पॉलिटिकली वो कहां जाएं। तो देयरफॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल वार नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सर्वाइवल मुश्किल था उनका। देन ही आस्क्ड टू अवॉइड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड अटेन मॉडर्न एजुकेशन। उसने कहा मुसलमानों को कि पॉलिटिक्स से दफा करो, फिलहाल साइड पे हो जाओ, पहले मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लो, फिर जाके पढ़ना आप लोग। और इसी दौर के अंदर यानी 1885 के अंदर जो थी कांग्रेस बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था एक अंग्रेज ब्यूरोक्रेट था रिटायर A.O. ह्यूम ने। ठीक है, बनाया, और जिसका मकसद था कि जो इंडियंस हैं उनका और ब्रिटिश का आपस में गुडविल कम की जाए इस पार्टी के जरिए। तो उसने ये पार्टी बनाई, पर उसमें मेजॉरिटी हिंदूज की थी, तो मुसलमान काफी लोग कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते थे। तो सर सैयद खान को इंसिस्ट किया कि कांग्रेस को ज्वाइन ना करो, आप पॉलिटिक्स से अवॉइड करो, फिलहाल कांग्रेस को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डोमिनेट हिंदूज कर रहे हैं उसे, हिंदूज आपको आगे नहीं आने देंगे, तो इसलिए इस खफे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट ना करो, और वो टाइम अपनी एनर्जीज वेस्ट करो, सर्फ करो किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मॉडर्न एजुकेशन लो, फिर जाके पॉलिटिक्स में आप सपोर्ट करो, फिलहाल आपकी पॉलिटिकल कंडीशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? आप तो बात नहीं कर सकते ब्रिटिश से, कैसे बात कन्वे करेंगे? बात तो कन्वे कर सकता है हिंदू, हिंदू तो आपको पीछे लाके खुद आगे चला जाएगा कांग्रेस के ऊपर। तो इसने कांग्रेस ज्वाइन से मना किया था 1885 के अंदर। ठीक है, और इसी 1885 के अंदर एक और इंस्टीट्यूशन बना था जिसे कहते हैं सिंध मदरसातुल इस्लाम, एमसीक्यू आ जाता है। और सिंध मदरसातुल इस्लाम वो इंस्टीट्यूशन है जो अभी भी कराची में है, जो इंस्टीट्यूशन जिसमें कैद आजम पढ़ा था 1885 में बना था। और मैं भी सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी बनी है वो 2012 में, तो उस यूनिवर्सिटी की जो पहली बैच थी उसमें मैं भी पढ़ा हूँ, वहाँ पे 2 साल मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। तो देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बन गई थी, बट कैद आजम जहाँ पे पढ़ा वो यूनिवर्सिटी बनी है 2011 के अंदर। ठीक है, तो ये उस टाइम पे यानी मुसलमानों की एजुकेशनल जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कितना जो थोड़ा शऊर था वो इतना बढ़ चुका था उस टाइम। ठीक है, तो इसने मना किया कि पॉलिटिक्स से अवॉइड करो, फिलहाल आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, ये पॉलिटिकली ये सर्विसेज थी इनकी। ही स्ट्रॉन्गली प्रोहिबिटेड जॉइनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई टोल्ड यू कि A.O. ह्यूम ने जो बनाई थी। ही सेड टू मुस्लिम दैट दे शुड नॉट ट्रस्ट ऑन द हिंदूज बिकॉज दे कुड नॉट फ्रेंड्स ऑफ द मुस्लिम, फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते मुसलमानों के, बिकॉज ही वॉज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कौन, टू नेशन थ्योरी। ये सेम वही बात कर रहा है कि वो दोनों बन ही नहीं सकते, एक नेशन ही नहीं हो सकते, मुसलमान हिंदू साथ बन ही नहीं सकते, तो उन पे ट्रस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर जाएंगे, और हम आगे देखेंगे वो एक्सप्लॉइट करते हैं मुसलमानों को। He first openly advocated two nation theory that Hindus and Muslims are different in every aspect of life and they cannot live together. जिसने explicitly अनाउंस किया कि भाई हिंदू और मुसलमान टोटली डिफरेंट नेशन है, साथ नहीं रह सकते, बकवास है जो ये लोग कह रहे हैं कि साथ रह पाएंगे। ओपनली इसने कहा कि इसलिए कांग्रेस को ज्वाइन ना करो, वो आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे, वो आपको भाई नहीं बन सकते। ये उसकी सर्विसेज थी, जिस सर्विसेज से आपको पता चलता है कि चीजें जो उसने मुसलमानों की कंडीशंस कैसी थी, और उसने अभी मूवमेंट स्टार्ट की, उसके 2 प्रिंसिपल्स रखे, उन 2 प्रिंसिपल्स को उसने सब्सटेंशिएट किया, और उसने प्रैक्टिकली ये चीजें फॉलो करने की कोशिश की।
इन सारी चीज़ों के बाद जब हम एनालिसिस करते हैं सर सैयद अहमद खान का, तो हमें पता चलता है कि सर सैयद अहमद खान को जो है एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है। क्यों कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है? क्योंकि सर सैयद अहमद खान के बारे में दो व्यूज मिलते हैं हमें, एक व्यू है प्रोग्रेसिव का, एक व्यू है ऑर्थोडॉक्सिस का। जो ऑर्थोडॉक्सिस और प्रोग्रेसिव के डिफरेंट व्यू हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में, कुछ कहते हैं कि सर सैयद की ये सर्विसेज जो थी वो नीड ऑफ टाइम थी, वो ज़रूरी थी और उन्हीं ने ही आगे जो है काम दिया। कुछ कहते हैं नहीं, वो गलत थी, ये ब्रिटिश का एक बंदा था जो मैनिपुलेट कर रहा था। वो कैसे उन आर्गुमेंट्स को देखते हैं? तो सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव्स को देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिव्स हैं यहाँ पे, जो लिबरल्स हैं यहाँ पे, वो क्या समझते हैं सर सैयद अहमद खान को? ही वर्क टू मेक मुस्लिम इस्लाम मॉडर्निटी कंपेटेबल विद ईच अदर। वो कहते हैं उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने अच्छा काम किया था। उसने बेसिकली इस्लाम को और मॉडर्निटी को कंपेटेबल बताने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि मॉडर्निटी और इस्लाम को डिफरेंट चीजें नहीं है, इस्लाम कंपेटेबल है मॉडर्निटी के साथ, साइंस के साथ, लॉजिक के साथ, रीजन के साथ, हम उससे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं वो ठीक किया उसने, इसने कोशिश की कंपेटेबल बनाने की। ही वॉज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, इनफैक्ट ही वॉज इस्लामिस्ट। क्योंकि खुतबात नबी जो उसने किताब लिखी थी वो पूरा रिबटल था जो लिखा था, अगर वो मुखालिफ होता तो ऐसी बात नहीं करता। ये कंट्रीब्यूटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम, उसने इस्लाम को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। वो कोई वेस्टर्न नहीं था, वो मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा था, क्योंकि वो जरूरी था उस टाइम पे इस्लाम को मॉडर्नाइज करना उस चीज के बारे में, ठीक है। और इसने क्या कोशिश की? देन वो बिलीव रखते हैं कि इसने जो कोशिश की, ही ट्राइड के जो है मॉडर्नाइज करे इस्लाम को, और ही री इंटरप्रेटेड द इस्लामिक वैल्यूज इन रीडिफाइंड सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रेमवर्क। उसने क्या किया, इस्लामिक वैल्यूज को उसने क्या किया कि रीडिफाइंड किया सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर। उसने कहा कि इस्लाम को रीडिफाइन करने की जरूरत है। अगर हम इन्हीं पुराने चक्रों के ऊपर रहे तो हम तो ब्रिटिश के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो कंपेटेबल होना जरूरी था। और उस कंपेटेबल बनाने के लिए उसकी सारी कोशिशें थी। ये प्रोग्रेसिव व्यू रखते हैं कि वो कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसके कंट्रारी एक व्यू आता है, वो व्यू है ऑर्थोडॉक्स का। वो बिलीव रखते हैं कि ही ट्राइड टू वेस्टर्नाइज इस्लाम, उसने इस्लाम को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू देम वो मॉडर्नाइज नहीं कर रहा था, वो वेस्टर्नाइज कर रहा था, वो वेस्टर्न कल्चर के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा ये एजेंट था, कहते हैं ब्रिटिश का। ही वॉज अगेंस्ट इस्लाम, वो कहते हैं वो इस्लाम के भी अगेंस्ट था। ही वॉज लॉयल विद द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश का एजेंट था। ही ट्राइड टू मिक्स अप इस्लाम विद वेस्टर्न वैल्यूज एंड द फ्रेमवर्क। उसने कोई मॉडर्न करने की कोशिश नहीं की, उसने वेस्टर्न बनाने की कोशिश की थी। तो रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स स्ट्रांगली अपोज हिज कंट्रीब्यूशन। वो इसे देहरिया कहते हैं, इसे अथीस्ट मानते हैं, इसे नेचुरलिस्ट मानते हैं, वो इसके पास भी नहीं आते। और इनफेक्ट कुछ लोग तो ऐसे थे जो लोग खुद मक्का मुकरमा से फतवा लेके आए थे सर सैयद अहमद खान के खिलाफ, इस पे फतवा लगे कि ये काफर है, ठीक है, उस टाइम पे। बट इन सच कंडीशंस ही ट्राइड फॉर द मुस्लिम, ही स्टूड फॉर द मुस्लिम, ही डिड समथिंग फॉर द मुस्लिम्स। एंड उसके इम्पैक्ट हमें पता चलेंगे कि जब इन्हीं अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो स्कूल से, मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब बड़े बड़े लोग पढ़ के निकलते हैं, और वही हम आगे देखेंगे कि जो है पाकिस्तान मूवमेंट को भी संभालते हैं और ब्रिटिश से सामने बैठ के बातें भी करते हैं, और हम आगे देखेंगे कि ब्रिटिश के साथ वो खड़े होके भी बोलते हैं। और इसी से ही, और जो ऑर्थोडॉक्स का व्यू था वो भी आपको पता चला कि अगर उसके बेस पे हम मुसलमान खड़े होते उस टाइम पे, तो फिर तो इन्नल्लाह राजू ही नहीं होना था, ठीक है। तो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, जो आपको उस टाइम पे पता चली, ये इस टाइम पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 20th century के अंदर, हम पहुंच चुके हैं कि हम जो है ये 1990s के अंदर, हम जो है 90 यानी 20वीं सदी बनेगी, 20th century के अंदर हम पहुंच चुके हैं। और 20th century तक आपको पता चला कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी, किस चीज़ की डेवलपमेंट्स हो रही थी। और यहाँ से आपको पता चला कि हिंदूज जो थे वो ब्रिटिश के साथ खड़े हो गए थे, मुस्लिम्स जो थे वो जो थे मार्जिनलाइज थे, बट उनको आहिस्ते आहिस्ते कोशिश की जा रही थी कि वो थोड़ा उभरें, आगे आए। पहले तो वो बिल्कुल नहीं आ रहे थे आगे, बट अलीगढ़ मूवमेंट के बाद वो इस पोजीशन में, हमें पता चलेगा कि आगे आते हैं कुछ किया जा सके।
और टू नेशन थ्योरी को एडवोकेट करके गए थे सर सैयद अहमद खान। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक ड्रामा है, हिंदू मुस्लिम एक नहीं बन सकता। बट इस टाइम पे कांग्रेस ये कह रही थी नहीं नहीं हम एक हैं, हम एक बन सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट टू नेशन थ्योरी के बिलीव करने वाले लोग कह रहे थे नहीं हम एक नहीं बन सकते।